और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा बदलाव हुआ है केंद्रीय कैबिनेट में। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा फेरबदल केंद्रीय कैबिनेट में। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। किरण रिजिजू को भू विज्ञान विभाग मिला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। तो बता दें आपको केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, ये बड़ा फेरबदल। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। किरण रिजिजू को भू विज्ञान विभाग दे दिया गया है। अब अर्जुन राम मेघवाल होंगे कानून मंत्री। और स्पर्श संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, केंद्रीय कैबिनेट में ये बड़ा बदलाव। देखिए बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट में ये बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और पिछले लंबे समय से ये जो है कयासबाजी चल रही थी कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आता। ऐसे में जो मौजूदा कानून मंत्री थे किरण रिजिजू को, उनको जो है कानून मंत्रालय से हटाया गया है। उनको अर्थ साइंस का जो नया मंत्रालय है वो जो है दिया गया है। अब जो नए कानून मंत्री देखने को मिलते हुए नजर आएंगे वो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो देखने को जो है कहीं ना कहीं मिलते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो पिछले लंबे समय से जो कयास चलते हुए नजर आ रहे थे कि जो अगर इसको चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो यही समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कि चुनाव के संदर्भ में जो है इसको कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आए। लेकिन फिलहाल ये बड़ा बदलाव जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो जगह है उसमें देखने को मिलता नजर आए, जहां पर अर्जुन राम मेघवाल को जो है वो कानून मंत्री बनाया गया है और जो किरण रिजिजू है वो लॉ मिनिस्टर को जो है उनको हटाकर अर्थ एंड साइंस का विभाग जो है वो जो है उन्हें दिया हुआ जो है नजर आ रहा है। स्पर्श, क्या कोई और केंद्रीय मंत्रियों के भी विभागों में बदलाव हो सकता है या हुआ है? देखिए नहीं, अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है सिर्फ यही एक बड़ी जो है जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है प्रेस कम्युनिकेशन विभाग से राष्ट्रपति भवन के की जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं जो है की गई थी। और उसके बाद ये जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है कि जो अर्जुन राम मेघवाल है उनको जो है लॉ मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उनकी जगह जो उनको माफ की जगह जो किरण रिजिजू है उनको जो है पोर्टफोलियो बदलाव करते हुए जो अर्थ एंड साइंस विभाग है वो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।